बरेली बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और सचिव बीपी दिहानी समेत सभी पदाधिकारियों ने आज शपथ ली। बरेली बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे HJS बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार हरित, सचिव बीपी दिहानी समेत सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे ने एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि बार और बेंच मिलकर अधिवक्ताओं की सभी समस्याओं को हल करेंगे। शपथ के दौरान बार सभागार अधिवक्ताओं से खचाखच भरा हुआ था, जिसमें उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने तालियां बजाकर सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार हरित के प्रेरणापुंज पिता व सेवानिवृत्त जिला जज नानक चंद्र हरित ने अपने विचार प्रकट करते हुए बार एसोसिएशन के उच्चतम कार्यों के लिए रमेश चंद्र मेहनोत्रा, रंपी बाबू, घनश्याम शर्मा को भी उनके योगदान के लिए याद किया। साथ ही उन्होंने अपने बेटे मनोज कुमार हरित समेत सभी नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। वहीं बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने कहा कि अधिवक्ता साथियों ने जिस भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, वह उन सभी की उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने विश्वास दिलाया कि वह अपने संकल्प पत्र को 100% पूरा करेंगे। बार एसोसिएशन के सचिव बीपी दिहानी ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों से कभी समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। हम केवल बार के सदस्य हैं, वकील और हमारा ये मकसद है कि हमारा समाज, अधिवक्ता समाज, उसे कोई परेशानी हो, हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। इसी लिए लोगों ने हम लोगों को चुना है अपनी सेवा के लिए। हम अपेक्षा करेंगे, अध्यक्ष जी ने योजना बनाई है चैम्बर्स की माता जी के नाम से, वो ऐसी योजना अगर हमारी लागू हो गई तो हम पूरी बरेली बार को, जहाँ कोई बार नहीं पहुँच पाई हो यूपी में, हम वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके संग और हमारी पूरी कार्यकारिणी कार्यकारिणी है, सभी लोग ऊर्जावान हैं और सभी लोग अच्छा कार्य करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ, और हम बरेली बार का नाम रोशन करेंगे। जानी जी, आपने हमें पिछली बार भी आप जीते थे, सचिव रहते, आपने अधिवक्ताओं के लिए बड़ा संघर्ष किया है, इस बार कुछ नया करेंगे? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, हमेशा 21 लोगों ने काम करा। अगर ये गलत फहमी में पालूँ कि मैंने कुछ करा, मैंने कुछ नहीं करा, हमारी कार्यकारिणी ने, 21 लोगों ने वो काम करा, मैं उसमें एक सहयोगी रहा, और मैं आशा करता हूँ आज भी 21 लोग जो कार्य करेंगे उसमें सहयोगी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक साधारण वकील हूँ और रहूँगा, और हमेशा जो भी अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य होगा हमारी पूरी कार्यकारिणी वो करेगी, हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो कार्य करेंगे। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है वो आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी नहीं थी जो हम लोगों को करनी थी। मेरे साथी सचिव ध्यानी जी एक्सपीरियंस्ड हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप समय समय पे हम लोगों को देखेंगे, और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा साहब आप अच्छी चीज़ें निकालें या अच्छी चीज़ रखें, यदि कोई बुराई निकलती है या कोई बुराई हम लोगों में आती है तो मैं ये भी अपेक्षा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें पब्लिक में जानी चाहिए, जिससे हम लोगों को सबक मिले, हम उसको कोशिश करें कि उसको सुधार पाएँ। हम आपके सामने सचिव साहब हैं और हमारी पूरी कार्यकारिणी है, हम सबके सामने आपसे बस यही कह सकते हैं कि हम पूरी जान लगा देंगे अपनी जो हम लोगों ने संकल्प पत्र बनाया है, और इस बार को बहुत 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 ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। अभी केवल द्वार खुला है ऊंचाइयों पे जाने का, इस बार को ले जाने का।